वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप के फिट फाट मज़े से हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की बर्गर, जो कि इस तरीके से बहुत मज़े से हेल्दी से बनते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 7 से 8 आलू थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने उबाल के छील लिया है ठंडा करके अच्छा सा। आप उन्हें उबाल लें, उसके बाद उन्हें छोड़ दें 2 घंटे के लिए। फिर आप उन्हें छील के तो फिर आप इस तरह अच्छा सा मैश कर लें। और मैंने अच्छा सा मैश कर लिया, इसके अंदर जाएंगे ये 2 टेबलस्पून भर के ये उबले हुए मटर है, ये जाएंगे इसके अंदर। इनको मैं अच्छा सा मैश कर लूँगी, फिर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। मटर अच्छे से मिक्स हो गया, आप इसके अंदर मैं डालूँगी ये 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई, इस तरह बारीक कटी हुई, ये डालेंगे। 1 प्याज इस तरह बारीक चॉप किया हुआ, ये डालेंगे इसके अंदर। धनिया डालेंगे इसके अंदर और डालेंगे इसके अंदर ये 1 छोटी शिमला मिर्च थी, इसको मैंने इस तरह छोटा छोटा चॉप कर लिया, ये डालेंगे। और स्पाइसी जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर मैं डालूँगी ये 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे इसमें, चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और डालेंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और डालेंगे इसके अंदर ये 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम डालेंगे, ये बाइंडिंग के लिए ताकि हमारी टिक्कियाँ अच्छी सी बन सकें, खुले नहीं। चलिए अब मैं इन सबको अच्छा सा मिक्स करती हूँ हाथ के साथ। आलू टिक्की के लिए जो मैं मिक्सचर को अंदर सारे स्पाइसी डाल के अच्छा सा हाथ की मदद से हो मैंने इसको मसल के अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसको साइड पर करते हैं, बाकी को प्रोसेस करते हैं। बाउल के अंदर मैंने मैदा डाला है 4 टेबलस्पून इस तरह फुल भर के, और इतने ही मैं भर के इस तरह डाल लूँगी ये कॉर्नफ्लावर डालूँगी, 4 टेबलस्पून इस तरह भर के। डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और इतनी सी 1/2 टीस्पून से कम थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि एकदम से ये पतला ना हो जाए। अभी हमारा बड़ा अच्छा सा ये देखें बैटर तैयार हो गया है, बस ऐसे ही चाहिए। अब ऐसे करेंगे, एक आलू की टिक्की बनाएंगे, जितना बड़ा आपका बर्गर है उतनी आप इसकी टिक्की बनाएं। पहले ऐसे गोला सा बनाएं, गोल, फिर आप इसको इस तरह प्रेस करें, हाथ की मदद से आप अच्छा सा इसको देखिए इस तरह टिक्की सी बना लें। किनारों को ठीक कर लें, बड़ी अच्छी सी हमारे आलू की टिक्की ये देखिए इसका रेडी है। मैं इसको डिप करूंगी इस मिक्सचर में, यहाँ से उठा के फालतू मिक्सर उतार लेंगे ब्रेड क्रम के अंदर। दूसरे हाथ से इसके ऊपर मैं डालूंगी ब्रेड क्रम, इसकी अच्छी सी कोटिंग करेंगे। फिर से एक दफ़ा रखेंगे मिक्सचर के अंदर, फालतू उतार लेंगे, दोबारा से लगाएंगे ब्रेड क्रम, तो अच्छे से ब्रेड क्रम लगा के कितनी अच्छी सी ये रेडी हो गया। बस इस तरह मैं सारी बना के ये ट्रे में रखती जाती हूँ, फिर मैं आपको इनकी दिखाती हूँ। इसको सबको बना के 10 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में और बाकी का प्रोसेस करेंगे।
आलू टिक्की बर्गर के लिए देखें, मैंने आलू की टिक्कियों को बड़े अच्छी तरह मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की, अच्छी सी डबल डबल कोटिंग की है, और उसका ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं। ये देखें इसकी लुक, अब ये बड़ी अच्छी सी हमारी रेडी हो गई है फ्राई करने के लिए। लेकिन इसको रेस्ट देंगे हम 10 मिनट के लिए, मैं इनको फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। और इसको फ्रिज में रख के और बनाते हैं हम इसकी सॉस अच्छी सी बर्गर के लिए, बर्गर के अंदर लगाने के लिए जो सॉस तैयार करेंगे। मैंने ये ले लिया, ये हाफ कप से ज़्यादा ही है मेरे पास मायोनीज, जितने मेरे पास बर्गर हैं उसके अंदर मैं डालूंगी। ये 2 से 3 टेबल स्पून डालूंगी केचप, और थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस, इससे इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का बनता है सॉस का। मिक्स करूंगी इसको अच्छा सा, अच्छा सा मिक्स करके इसके अंदर डालूंगी ये बंद गोभी कटी हुई, अच्छा सा मैंने इनको मिला लिया। अब इसके अंदर डालेंगे ये बंद गोभी डालेंगे, ये 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर है कटी हुई बंद गोभी डालेंगे। अब इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छा सा बर्गर के अंदर लगाने के लिए। देखें मैंने सॉस भी बड़ी अच्छी सी बंद गोभी डाल के तैयार कर लिया है, और ये टमाटर भी गोल और जो प्याज है वो भी इस तरह गोल गोल स्लाइस काट लिए। अब पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है जो कि बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें उठा के डालूंगी इस तरह ये एक आलू की टिक्की, लो टू मीडियम पे हमें इसको दोनों तरफ से कुक करना है। ऑयल में डाल के आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जब एक साइड इसकी गोल्डन होगी तो हम साइड चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो पे, अब देखते हैं इसकी साइड चेंज करते हैं। देखें बस ऐसे ही कलर हमें चाहिए, अब सबकी साइड चेंज कर लेंगे। बस इस तरह से भी कुक कर लेंगे ऐसे ही गोल्डन कलर आने तक। दोनों तरफ से इनका कलर बड़ा अच्छा सा गोल्डन हो गया, मैं इनको निकाल लेती हूँ। सबको निकाल लेंगे, ये मैंने सारी टिक्कियाँ निकाल ली हैं, अब बाकी की भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूंगी। इनको भी इस तरह गोल्डन कलर दे के निकाल लेंगे। बर्गर आलू टिक्की के लिए देखें मैंने सारी ये टिक्कियाँ बड़ी अच्छी सी मारी गोल्डन, मैंने करके इनको निकाल लिया है, गोल्डन फ्राई कर लिया है। सॉस भी तैयार है, टमाटर और प्याज भी हमारे रेडी हैं, और हमारे बर्गर भी रेडी हैं। चलिए फिर अब इनको बर्गर को इसके अंदर फिल करते हैं। मैंने ये छोटे साइज़ के बर्गर लिए हैं क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो आप बड़े बर्गर ले लें। अब इसमें लगाएंगे ये सॉस जो हमने रेडी की थी, ये लगाएंगे इसके अंदर अच्छी सी, ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। और रखेंगे इसके अंदर एक ये आलू की टिक्की, और रखेंगे एक टमाटर, इस तरह प्याज, और इसके ऊपर इसको कवर करके और इस टूथपिक की मदद से आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं ताकि हमारा बर्गर बच्चे जब खाएं तो वो अच्छे तरीके से वो खा सके। इसी तरह मैं सारे बर्गर रेडी कर लूँगी, दूसरा भी एक और बना के दिखाती हूँ। अच्छी सी सॉस लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे, आप चाहें तो दूसरी तरफ केचप भी लगा सकती हैं। रखेंगे इसके अंदर टिक्की को, रखेंगे ऊपर एक टमाटर और एक स्लाइस ये प्याज के स्लाइस रखेंगे, इसको उसी तरह तो प्रेस करेंगे और ऊपर
टूथपिक लगा देंगे ये देखें इस तरह, ताकि बर्गर अपनी जगह पे सेट रहे। इस तरह मैं सारे बर्गर बना के आपको दिखाती हूँ। लीजिए फटाफट से हमारे आलू टिक्की बर्गर रेडी हो गए हैं। देखिए कितनी जल्दी से मैंने इतने ज़्यादा बना लिए हैं। ये सारे मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाए हैं, तभी मैंने छोटे बन लिए हैं। अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो बड़ा बन लें, अगर बच्चों चीज़ लाइक करें तो आप इसके अंदर चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं, इससे भी बड़े टेस्टी से हो जाएंगे। देखें इसकी लुक बहुत ही टेस्टी से, बड़ी यम्मी से ये बने हैं। ज़रूर अपनी फैमिली के लिए बनाएं और उन्हें बना के, ये जो इसके अंदर सॉस है ये बहुत ही टेस्टी सी बनती है, जब ये हम खाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। ज़रूर बनाएं अपनी फैमिली के लिए, इंजॉय करें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और मेरा फेसबुक पेज कुकिंग एंड हेल्थ को भी लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।